हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीएससी गेटअप। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है फॉलो सेट आइडेंटिफाई करना कंपाइलर में। सेकंड जो फेज है सिंटैक्स एनालाइजर, हम उस फेज को डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने LR0 देखा था, देन SLR, CLR, LALR के लिए हमें क्या फर्स्ट एंड फॉलो चाहिए होते हैं। तो उस केस के लिए हमने क्या फर्स्ट एंड फॉलो सेट्स आइडेंटिफाई किए। फर्स्ट पार्ट जो थी हमारे इस वीडियो का, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, उसमें हमने फर्स्ट सेट आइडेंटिफाई करना देखा था। अब हम इस पार्ट में फॉलो सेट आइडेंटिफाई करना देखते हैं कि हम फॉलो कैसे आइडेंटिफाई करें। फर्स्ट इज रियली वेरी वेरी इजी, फॉलो आ लिटिल बिट ट्रिकी। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि फॉलो में हम क्या करते हैं। ओके, सो फॉलो जस्ट लाइक फर्स्ट, फॉलो में भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, हमें किस तरह की ग्रामर मिल सकती है, किस तरह का प्रोडक्शन मिल सकता है, देन उसके लिए क्या क्या फॉलो बन सकते हैं। लाइक फर्स्ट जो था हमारा, फर्स्ट बेसिकली क्या था, फर्स्ट था कि आपका लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे जो फर्स्ट फर्स्ट जो सिंबल है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर रहे थे। अगर वो डायरेक्टली टर्मिनल है तो वो टर्मिनल आपका फर्स्ट है, नॉन टर्मिनल है तो उसके लिए फिर फर्दर केसेस थे कि अगर वो नॉन टर्मिनल एप्सिलॉन से बिलोंग कर रहा है तो क्या होगा, नहीं कर रहा है तो क्या होगा। सिमिलर लाइक दैट यहाँ है, बट यहाँ अब हमें फर्स्ट नहीं देखना है, यहाँ हमें फॉलो देखना है। मतलब वो पर्टिकुलर नॉन टर्मिनल जस्ट किससे फॉलो हो रहा है हमें वो बताना है। अब वो फॉलो टर्मिनल है तो क्या करना है, और वो फॉलो नॉन टर्मिनल है तो क्या करना है, वो अलग अलग केसेस बनेंगे। तो डायरेक्टली हम चलते हैं हमारी पॉसिबिलिटीज पे, क्या क्या हो सकती है। नाउ सी, स्टार्टिंग सिंबल जो होगा ना आपके ग्रामर का, उसका फॉलो हमेशा क्या होता है, डॉलर होता है। चेंजेस होंगे अगर वो इन बिटवीन ग्रामर में आपका एस कहीं आ रहा है, देन डेफिनेटली उसके जो फॉलोज होंगे उसके हिसाब से चेंज होगा। बट अगर आपके पास वो ग्रामर में कहीं भी फर्स्ट अगेन रिपीट नहीं हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट उसका जो वो बनता है फॉलो होता है वो हमेशा डॉलर, डॉलर सिंबल डेफिनेटली आपका फॉलो होगा। मिस्टेक स्टूडेंट्स यही करते हैं कि वो डॉलर को भूल जाते हैं और रिमेनिंग जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग फॉलो निकाल देते हैं। लेकिन जो फर्स्ट स्टार्टिंग सिंबल आपका जो होगा ना, उसके लिए डॉलर तो कंपलसरी है कि फॉलो होगा ही होगा। ओके, बाकी हमारे ये तीन जो केसेस बचे हैं इसके अकॉर्डिंग और फॉलोज ऐड हो सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऐड हो रहे थे वैसे ही। सो लेट्स सी फॉर द फर्दर केसेस। हमें इस तरह की एक ग्रामर मिले है, इसमें क्या है, फर्स्ट मैंने क्या बोला, फॉलो, फॉलो हमेशा राइट एंड फर्स्ट के केस में तो हम इस साइड से सिंबल ले रहे थे और इसके फर्स्ट निकाल रहे थे। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमें फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट जो हमें सिंबल मिल रहा है हमें उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले लें। लेकिन फॉलो क्या है, फॉलो हमेशा आपका कहाँ, राइट हैंड साइड पार्ट वाले उससे मिलेगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो आपको सिंगल नॉन टर्मिनल ही मिलता है ना, राइट हैंड साइड पार्ट में मल्टीपल कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं, तो फॉलो तो वहीं हो रहा होगा ना। इस नॉन टर्मिनल फॉलो कहाँ होगा, यहीं कहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो कुछ फॉलो है ही नहीं, कोई उसे फॉलो ही नहीं कर रहा, वो अकेला है, तो फॉलो वहाँ कहाँ से होगा, राइट हैंड साइड पार्ट में। तो यहाँ हमारे पास जो ये यहाँ यहाँ पे राइट हैंड साइड पार्ट में जो एंटीज मिलेंगे उनके फॉलोज फाइंड करते हैं हम। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फॉलो ऑफ बी फाइंड करना है। अब फॉलो ऑफ बी क्या है, उसके बाद में हमें क्या मिल रहा है, एक्स मिल रहा है। तो ये क्या होगा, एक्स अगर एप्सिलॉन से बिलोंग नहीं कर रहा तो फॉलो ऑफ बी विल बी वॉट, फर्स्ट ऑफ एक्स। अब डिपेंड करता है एक्स क्या है, एक्स अगर टर्मिनल है या क्या है, फर्स्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। देखो अगर ये टर्मिनल हुआ तो डायरेक्टली टर्मिनल आ जाएगा, नॉन टर्मिनल हुआ तो नॉन टर्मिनल का फर्स्ट आ जाएगा, जो भी इसका फर्स्ट होगा वो आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ एक्स क्या कर रहा है, एप्सिलॉन से बिलोंग नहीं कर रहा है, उस केस में फर्स्ट फॉलो ऑफ बी इज वॉट, फर्स्ट ऑफ एक्स। अनदर केस देखें तो अगर हमें कोई ऐसे नॉन टर्मिनल का फॉलो फाइंड करना है जिसके आगे कुछ नहीं है, ब्लैंक है, वो लास्ट सिंबल है, यहाँ पे हमारा बी क्या है, लास्ट है, इसके आगे कुछ है ही नहीं, तो उस केस में फॉलो क्या होता है, जो उसके लेफ्ट हैंड साइड का एंटी है ना उसी का फॉलो इसका फॉलो बनेगा। तो फॉलो ऑफ बी क्या होगा, फॉलो ऑफ ए होगा। अगर आपके पास कोई ऐसा एंटी है जिसमें आगे कुछ फॉलो ही नहीं कर रहा है, दैट पर्टिकुलर एंटी इज नॉट फॉलोड बाय एनी ऑफ द सिंबल, देन दैट केस फॉलो ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटी विल बी वॉट, द लेफ्ट हैंड साइड सिम फॉलो ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड सिंबल। जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको सिंबल या एंटी मिल रहा है उसका ही फॉलो आपका क्या बनेगा, इसका फॉलो बनेगा। तो फॉलो ऑफ बी क्या होगा, फॉलो ऑफ ए होगा। अब अनदर केस सेम वही इसी से रिलेटेड, एक्स अगर एप्सिलॉन से बिलोंग हो रहा हो तो हम क्या करेंगे, अगर एक्स एप्सिलॉन से बिलोंग करता है तो उस केस में ऑब्वियसली ये क्या बन जाएगा, आपका एक बार के लिए एस बनेगा। तो सेम जैसे फर्स्ट में था वैसे यहाँ पे भी हमारे पास यूनियन करना पड़ेगा हमें, तो अलग अलग बनेंगे। एक चीज़ तो कॉमन है ऑब्वियसली, बी के बाद एक्स फॉलो हो रहा है तो फर्स्ट ऑफ एक्स तो आएगा ही आएगा, एक्स किसको फॉलो कर रहा है, बी को, तो क्या आएगा,
फर्स्ट ऑफ एक्स, ये तो आ गई, माइनस एप्सिलॉन, क्यों? क्योंकि अगर इसको हम एप्सिलॉन से रिड्यूस करेंगे देन हमारे पास, अगर मैंने इसको एप्सिलॉन से रिड्यूस किया लाइक मैं यहाँ लिख देती हूँ ए टेंस टू अल्फा बी, जब मैंने एक्स को क्या किया एप्सिलॉन से रिड्यूस कर दिया, तो ये क्या बन गया, ये मेथड बन गया ना, इसीलिए मैंने पहले ये एक्सप्लेन किया था इसको एक्सप्लेन करने से पहले, क्यों? क्योंकि अब हमारे पास ये आ गया, जैसे ही हमारे पास इस तरह का प्रोडक्शन बना एंड में हमारा एंटी आ गया, तो वो क्या बनेगा, फॉलो ऑफ व्हाट, लेफ्ट हैंड साइड जो एंटी है वो, तो फर्स्ट ऑफ एक्स माइनस एप्सिलॉन, क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन से तो हमें हटाना ही है इसे, यूनियन व्हाट, फॉलो ऑफ ए, ये हमारा कंप्लीट बनेगा फॉलो ऑफ बी फॉर सच अ ग्रामर, जहां पे अब आपका जो फॉलोवर जो एंटी है वो अगर एप्सिलॉन से बिलोंग करे तो। ओके अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, इन ये कुछ मेथड से स्टार्टिंग सिंबल का हमेशा डॉलर होगा ही होगा, बाकी इन केसेस के अकॉर्डिंग उसके फॉलो अगर और बनते हो तो और बनाएंगे, अगर नहीं है वो अगेन ग्रामर में कहीं, जैसे कि यहाँ कहीं भी हमें एस नहीं मिला था तो वहां पे उसका सिर्फ डॉलर रहेगा, अगर इस ग्रामर्स में कहीं भी वो रिपीट हो रहा हो एस, तो इन पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंग उसके फॉलोज बनेंगे, एंड देन ये तीन केसेस हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें क्या करने हैं, फॉलो आइडेंटिफाई करने हैं। सो डायरेक्टली गो टू द क्वेश्चन, हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके हियर आर सम क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के हमें क्या करने हैं, फॉलो आइडेंटिफाई करने हैं, तो फॉलो स्टार्ट करते हैं, किसका हमें एंटीज कितने हैं हमारे पास यहाँ पे, एस ए एंड बी, इनका क्या करना है अब हमें, फॉलो, इनके हमें फॉलोज फाइंड आउट करने हैं, तो इनके अगर हम फॉलो फाइंड आउट करें, ये हमने अभी जो फॉलोज देखे थे इन मेथड्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फॉलो फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले एस स्टार्टिंग सिंबल है, स्टार्टिंग सिंबल के लिए हमेशा क्या है फॉलो हमारा, डॉलर, तो ये स्टार्टिंग सिंबल का एक तो डॉलर आ ही गई, अगेन देन पूरे ग्रामर में कहीं एस नहीं आया, इट मीन्स डॉलर के अलावा इसका कोई भी फॉलो नहीं बनेगा, एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग मैं ये क्लियर कर दूँ, फर्स्ट सेट में कभी भी डॉलर नहीं आता है एंड फॉलो सेट में कभी भी एप्सिलॉन नहीं आता है। ओके फॉलो सेट हम देखते हैं, फॉलो सेट में चेंजेस अगर बन सकते हैं एप्सिलॉन माइट पॉसिबल, लेकिन डॉलर कभी भी फर्स्ट सेट में नहीं आया, क्यों? क्योंकि डॉलर किसके लिए, सिर्फ स्टार्टिंग सिंबल का वो है फॉलो ही है, फर्स्ट तो होप सो जो स्टार्टिंग सिंबल है, अगर हम इसका फर्स्ट निकालते तो वो क्या होता, फर्स्ट ऑफ ए होता, लेकिन फॉलो के केस में हमेशा डॉलर तो स्टार्टिंग सिंबल का होगा ही होगा। ओके सो लेट्स सी फॉर फर्दर, अगर हम बात करें ए की, फॉलो ऑफ ए, तो यहाँ से हमें क्या मिला, ए बी, ए को कौन फॉलो कर रहा है, बी फॉलो कर रहा है, तो यहाँ से ए का फॉलो क्या बनेगा, फॉलो ऑफ ए विल बी वॉट, फर्स्ट ऑफ बी, लेट मी राइट फॉलो एज एफ ओ एंड फर्स्ट एज एफ, ओके तो ये क्या हो जाएगा, फॉलो ऑफ ए इज फर्स्ट ऑफ बी, बी का फर्स्ट क्या है, बी, बी का फर्स्ट हमारा, सॉरी बी का फर्स्ट क्या है, बी, तो फॉलो ऑफ ए क्या मिला हमें, बी। ओके नाउ लेट्स सी फॉर अनदर, व्हाट इज फॉलो ऑफ बी, एस टेंस टू ए बी आ रहा है, बी को कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है, तो उस केस में बी का फॉलो क्या होगा, फॉलो ऑफ लेफ्ट हैंड साइड में जो नॉन टर्मिनल है, जो कि क्या है, स्टार्टिंग सिंबल, तो यहाँ हमारा बी का फॉलो क्या बनेगा, डॉलर, क्यों? क्योंकि एस का फॉलो क्या है, डॉलर है। ओके अब यहाँ पे ये चीजें नहीं इंक्लूड हुई हैं जो इसके प्रोडक्शन में, यहाँ पे गिवन ग्रामर के अकॉर्डिंग हमें फॉलोज आइडेंटिफाई करने हैं। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ये बेसिक सा एग्जाम्पल लिया था हमने, अगेन हमारे पास क्या है, एंटीज हैं एस ए एंड बी, इनके हमें क्या निकालने हैं, फॉलो ऑफ दीज एंटीज। ओके एफ ओ इज फॉर फॉलो, नाउ एस का फॉलो निकालने हैं, तो एस कहीं भी हमारे ग्रामर में नहीं है यूज हो रही, तो इट मीन्स वॉट, डॉलर ही है इसका बस, अगर कहीं यूज भी हो रही होती ना तब भी डॉलर तो हमें डेफिनेटली लिखना ही लिखना है स्टार्टिंग सिंबल के लिए, यहाँ कहीं भी नहीं यूज हो रही है राइट हैंड साइड में, देन ओनली डॉलर है। नाउ सी फॉर द फॉलो ऑफ ए एंड बी, ए का फॉलो क्या है, नाउ सी ए यहाँ पर किससे फॉलो हो रहा है, स्मॉल ए से, एंड यहाँ पे किससे फॉलो हो रहा है, स्मॉल बी से, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, भी ए का फॉलो क्या है, ए एंड बी है। सिमिलरली बी के फॉलोवर्स, बी के फॉलोवर, बी किससे फॉलो हो रहा है, बी से, और ये वाला बी किससे, ए से, तो ये यहाँ से हमें क्या आ गए, बी ए या ए बी, आपको जो भी लिखना हो जो हो गए, तो ये क्या है, फॉलोज हमारे इस ग्रामर के। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो ग्रामर गिवन है उस केस में क्या होता है,
एस टेंस टू ए सी बी सी डी, सेम वही जो मैंने फर्स्ट में लिया था वही मैंने यहाँ पे भी ग्रामर लिया है ताकि फॉलोज क्लियर हो जाए. नाउ सी, नॉन टर्मिनल्स हैं हमारे पास एस ए बी एंड सी, उनके हमें फॉलोज निकालने. ओके, फर्स्ट ऑफ एस, एस कहीं भी राइट हैंड साइड में यूज नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट ऑफ एस इज वॉट डॉलर. ओके, नेक्स्ट सॉरी, फॉलो ऑफ एस इज वॉट डॉलर. फॉलो ऑफ ए बी एंड सी देखते हैं. फॉलो ऑफ ए कहाँ कहाँ पे राइट हैंड साइड में आ रहा है, तो ए राइट हैंड साइड में सिर्फ यहीं आ रहा है, तो इसका फॉलो क्या है, सी. एंड सी क्या है, हमारा नॉन टर्मिनल है, तो वट फॉलो ऑफ ए क्या होगा हमारे पास, फॉलो ऑफ ए इज फर्स्ट ऑफ सी. ओके, सी का फर्स्ट होगा, तो फर्स्ट ऑफ सी, सी का फर्स्ट देखते हैं हम. सी का फर्स्ट क्या है, एच एंड एप्सिलॉन. ओके, नाउ ए कहीं और यूज हो रहा है, नहीं हो रहा, तो अब हमने क्या किया, एप्सिलॉन आपको नहीं यूज करना है फॉलो में. तो अब इस अगेन केस में हमें क्या मिला, जैसे ही हमारा कोई टर्मिनल, अभी जस्ट हमने जैसे ये फॉलो देखे, जैसे ही हमारा वो फॉलो इससे बिलोंग करेगा, क्या करना है हमें, फर्स्ट उसका लेना है, एप्सिलॉन को हटाना है, यूनियन फॉलो ऑफ जो उसके यहाँ पे आ रहा है या फिर उसके बाद कुछ बच रहा है वो लिखेंगे. तो नाउ सी, यहाँ क्या है, अगर हमारे पास फॉलो फर्स्ट ऑफ सी देखा, तो फर्स्ट ऑफ सी क्या है, एच एंड एप्सिलॉन आया, तो एक एच तो आएगा ही आएगा फॉलो में भी, हमने लिख दिया डायरेक्टली. जैसे ही हमने सी को एप्सिलॉन से रिप्लेस किया, तो हमें क्या मिला, एस टेंस टू ए. सी को किससे रिप्लेस किया, बी से रिप्लेस किया है हमने, तो अब ए का फॉलो क्या बना, बी बना है, तो फर्स्ट ऑफ बी देखेंगे कि बी का फर्स्ट क्या है, तो बी का फर्स्ट देखे, तो बी का फर्स्ट क्या है, जी एंड एप्सिलॉन. ओके, जी एंड एप्सिलॉन, ये सॉरी फर्स्ट था हमारा, ये आप यहाँ मत इंक्लूड करना, ये हमारा फर्स्ट है, नॉट हेयर. फर्स्ट को अलग से लिख लेंगे, मेंशन कर लेंगे ताकि क्लियर है. तो ये हमारा अब फर्स्ट ऑफ बी क्या है, जी एंड एप्सिलॉन. तो जी एंड एप्सिलॉन के अकॉर्डिंग ये तो जी एंड एप्सिलॉन हमें मिल गया. अगेन ये जी तो हमारा क्या बनेगा, फॉलो बनेगा ही बनेगा. बट वट अबाउट दिस एप्सिलॉन, जैसे हमने इस बी को भी एप्सिलॉन से रिप्लेस किया, तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, एस टेंस टू ए ही तो बचा सिर्फ. अब ए का कोई फॉलोवर नहीं है, जिस केस में कोई फॉलोवर नहीं होता उस केस में जो लेफ्ट हैंड साइड एंटी है उसका फॉलो ही तो आता है. तो यहाँ एक क्या आएगा, इसका फॉलो क्या है, एस का फॉलो क्या है, डॉलर. ओके, तो यहाँ क्या आएगा, डॉलर. ऑलवेज रिमेंबर कि आपको फॉलो में एप्सिलॉन्स को सबको रिमूव ही करना है. फॉलो में कभी भी एप्सिलॉन नहीं आता है. फर्स्ट सेट में कभी भी डॉलर नहीं आएगा, फॉलो में कभी भी एप्सिलॉन नहीं आता है. आप जब रिप्लेस करते जाओगे स्टेप बाय स्टेप, एट लास्ट आप कहाँ पहुँचोगे, लेफ्ट हैंड साइड एंटी पे पहुँचोगे और फिर उसका फॉलो आ जाएगा. ओके, नाउ सी, क्योंकि एप्सिलॉन कभी भी किसी का फॉलो नहीं बनता है, एप्सिलॉन के लिए हमेशा अलग प्रोडक्शन गिवन होती है, वो किसी के साथ कभी फॉलो में नहीं गिवन होता. नेक्स्ट ये हो गया हमारा ए के लिए. अब हम देखते हैं बी के लिए, बी के फॉलोवर्स क्या बनते हैं. तो एक तो ये है हमारे पास बी, जब यहाँ हमारे पास बी आया तो ये क्या बनेगा, फॉलो ऑफ एस, जब हमारा एंड में आ रहा है. ठीक है, एक यहाँ से देख लेते हैं, बी का फॉलो क्या है, डी मिला है हमें, तो डी तो डायरेक्टली आ गया है, क्योंकि डी क्या है, एक टर्मिनल है. एंटी होता तो हम उसका फर्स्ट लेते, टर्मिनल है तो वैसे भी फर्स्ट ऑफ टर्मिनल इज व्हाट, टर्मिनल. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आपका डायरेक्टली. नेक्स्ट बी आपका कहाँ है, यहाँ बी है, और इसका क्या है, फॉलो सी. तो इस केस में बी का जो फॉलो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ सी होगा. तो फर्स्ट ऑफ सी इज व्हाट, एच एंड एप्सिलॉन. एप्सिलॉन तो हमें लेना नहीं, एच आएगा ही. जैसे ही हमने सी को एप्सिलॉन से रिप्लेस किया इस प्रोडक्शन में, ए टेंस टू क्या बचा, बी बचा. क्यों, क्योंकि सी को हमने एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दिया है. तो उस केस में बी का फॉलो क्या बनेगा, फॉलो ऑफ ए बनेगा. तो फॉलो ऑफ ए हमारे पास क्या है, देखो एच ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो रिमेनिंग क्या बचा, जी एंड डॉलर. ठीक है, और ये वाला हम बी ऑलरेडी लिख चुके थे, डॉलर वाला तो हमारे पास डॉलर आएगा ही. ओके, तो ये हो गया हमारे बी के फॉलोवर्स. नाउ लेट सी फॉर द सी, सॉरी फॉर दिस, ये फर्स्ट था मैंने यहाँ पे लिख दिया. अब सी की बात करें तो सी कहाँ का है, एक तो सी का फॉलोवर यहाँ है, जहाँ को डायरेक्टली टर्मिनल मिल रहे हो ना, वो तो आप डायरेक्टली सबसे पहले लिख लिया करो. लाइक यहाँ पे आपको टर्मिनल मिला, तो एक फॉलोवर क्या बन गया, बी.
देन सी कहाँ पे, एक तो ये है सी और एक ये है सी। अगर मैं इसकी बात करूँ, एस टेंस टू ए सी एंड बी, तो यहाँ से सी का फॉलोवर क्या बना, फर्स्ट ऑफ बी। बी का फर्स्ट क्या है, जी एंड एप्सिलॉन। इट मीन्स व्हाट, जी आएगा जैसे इसको एप्सिलॉन से रिप्लेस किया, ये क्या बना ए एंड सी। ए सी बनते ही सी का फॉलो क्या हो जाएगा, फॉलो ऑफ एस। इट मीन्स व्हाट, डॉलर भी आएगा। देन इस केस का तो हो गया हमारा कंप्लीट। नाउ यहाँ सी हो गया, ये वाला सी देखें तो ये सी के अकॉर्डिंग, ये जो ए टेंस टू बी एंड सी हमें मिला है, ए टेंस टू बी सी, अगेन एंड में आ रहा है, तो ये क्या होगा, फॉलो ऑफ सी इज व्हाट, फॉलो ऑफ ए। तो ए के फॉलोज जो बचे हैं वो भी आएंगे, तो बी जी डॉलर है, क्या बच गया, जी और डॉलर हो चुका है, सिर्फ क्या बचा, एच। ये है हमारा, तो फाइनल अगर मैं इसकी बात करूँ, ये हम न्यूमेरिकल नेक्स्ट पेज पे करेंगे। फाइनल जो फॉलो हमारा बना वो क्या बना, एस ए बी एंड सी के जो फॉलोज बने हैं वो क्या, एस का क्या है, डॉलर, एच जी डॉलर, इसका क्या है, डी एच जी एंड डॉलर, और लास्ट वन इज बी जी डॉलर एंड एच। ये है हमारा पूरा फॉलो सेट फॉर दिस पर्टिकुलर ग्रामर। इस ग्रामर के एंटीज का जब हम फॉलो सेट निकालेंगे तो ये है कि हम किस तरह से फॉलो निकालेंगे। ओके, नेक्स्ट ये न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं नेक्स्ट अनदर किसी पेज पे। लेट मी टेक अनदर डिफरेंट पेज। यस, हमारे पास जो ग्रामर है वो है, लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, ई टेंस टू टी प्लस ई डैश, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस होंगी ना फर्स्ट एंड फॉलो में, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को क्या होती है, कन्फ्यूजन रहती है कि वो फर्स्ट एंड फॉलो में कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या है, बेटर यही है कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और जितने ज़्यादा एप्सलेंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, मच बेटर है। इट्स ई नॉट एप्सिलॉन एंड आई डी। ओके, सेम वैसे ही जैसा हमने फर्स्ट के केस में देखा था वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे ए था उसमें, यहाँ हमने आई डी ले लिया। अब इसका हमें क्या करना है, फॉलो फाइंड आउट करना है, तो इसका हम फॉलो फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीज लिख लेते हैं, ई ई डैश टी टी डैश एंड दिस वन इज आई थिंक एफ ना, क्वेश्चन दिस वन इज एफ, ओके नॉट टी इट्स एफ, ओके एंड अनदर वन इज एफ। इन सब के हमें क्या करने हैं, फॉलो। नाउ सी, फॉलो ऑफ ई, ई इज अ स्टार्टिंग सिंबल। ओके, सबसे पहले स्टार्टिंग हमारा किससे हो रहा है, ई से हो रहा है, तो ई हमारा स्टार्टिंग सिंबल है, देन डेफिनेटली डॉलर तो आएगा ही आएगा, तो डॉलर हम पुट कर देते हैं। देन पूरे ग्रामर में कहीं ई यूज हो रहा है, यस हेयर इट इज ई नॉट एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ये है, ठीक है ना, इनको मैं ई एक्चुअली इसी तरीके से लिखती हूँ, दीज आर ऑल ईज, ये एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन है, यहाँ पे ई यूज हुआ है अभी तक में, ये ई डैश है, ई नहीं है, डिफरेंस यही है ई। और एक्चुअली ये जो ग्रामर है ना, ये लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करके बनाई, अगर आपने थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की वीडियोस देखी होंगी मेरी, तो उसमें लेफ्ट रिकर्जन एलिमिनेट करते हैं, तो ये लेफ्ट रिकर्जन एलिमिनेट करके बनी हुई ग्रामर है, मतलब इस ग्रामर में कोई लेफ्ट रिकर्जन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ई है, ई के लिए फर्स्ट स्टार्टिंग सिंबल है तो डॉलर, देन इस पूरे ग्रामर में ई कहाँ यूज हुआ है, यहाँ, इसका फॉलो क्या है, क्लोज ब्रैकेट। अभी मैंने जस्ट बताया कि सिर्फ कैपिटल लेटर्स नॉन टर्मिनल है, उसके अलावा आपको जो भी मिले वो सब क्या है, टर्मिनल्स हैं, और टर्मिनल ई का फॉलो क्या बन रहा है, फर्स्ट ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट इज वॉट अ टर्मिनल, फर्स्ट ऑफ टर्मिनल इज वॉट टर्मिनल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपको, एक क्लोजिंग ब्रैकेट। तो ये हो गया हमारा ई का फॉलो। नाउ सी फॉर द फॉलो ऑफ ई डैश, ई डैश कहाँ का यूज है, एक तो यहाँ यूज हुआ है, तो इस ई टेंस टू टी प्लस ई डैश एंड में यूज हो रहा है, तो ये क्या होगा, फॉलो ऑफ ई बनेगा यहाँ से, तो हमारे पास तो फॉलो ऑफ ई क्या है, डॉलर एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, ये तो आएंगे ही। नाउ सी ई डैश और कहाँ यूज हो रहा है, यहाँ पे। अब ये देखो, ये क्या है, ई डैश है प्लस टी ई डैश, ये रिकर्सिव है,
खुद को ही कॉल कर रहा है, तो वो चीज़ आपको क्या करनी है, जब रिकर्सिव कॉल हो रहा है ना, तो रिकर्सिव कॉल के लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, रिकर्सिव कॉल के लिए इतना वरी नहीं करना, क्यों, क्योंकि उस केस में इंडायरेक्टली वो अपने आप कॉल कॉल करता रहेगा। तो ई डैश का बेसिकली फॉलो है, फॉलो ऑफ ई डैश इज वॉट, फॉलो ऑफ ई डैश अगेन, तो ई डैश का फॉलो अप तक हमने लिख दिया है। अगेन देखते हैं पूरे ग्रामर में कहीं ई डैश आ रहा है, नहीं, इसके अलावा कहीं ई डैश नहीं है, यहाँ था, यहाँ से फॉलो ऑफ ई मिल गया, यहाँ ई डैश फॉलो ऑफ ई डैश ही है, मतलब खुद को ही कॉल कर रहा है, तो अगेन सेम यही सेट मिलेंगे हमें, वापस रिपीट नहीं लिखने होते, यूनियन लिखना होता है, तो ऑब्वियसली ये इसके फॉलोज बन गए। ओके, डॉलर एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। नेक्स्ट इज वॉट, टी, टी का हमें अब के देखना है फॉलो। अब टी कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, देखो एक तो यहाँ टी हुआ है, टी का जस्ट फॉलो क्या है, प्लस, प्लस इज वॉट अ टर्मिनल, टर्मिनल का फर्स्ट क्या होता है, टी का फॉलो क्या है, फर्स्ट ऑफ प्लस, फर्स्ट ऑफ प्लस इज वॉट, प्लस, टी से हमें क्या मिला, फर्स्ट ऑफ प्लस, दैट इज वॉट प्लस, तो एक तो फॉलो क्या हो गया, प्लस हो गया। देन अगेन देखते हैं और कहीं टी यूज हो रहा है, ये रहा टी, टी का जो क्या है, टी ई डैश है, तो यहां से हमें क्या मिला, फॉलो ऑफ टी क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ई डैश, तो अब ई डैश का हमें क्या करना है, फर्स्ट फाइंड आउट करना है, ई डैश का फर्स्ट क्या है, एक तो प्लस है, प्लस हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, अनदर वन इज वॉट, एप्सिलॉन, फॉलो में कभी भी एप्सिलॉन नहीं आता, इट मीन्स ई डैश को अब हमें क्या, एप्सिलॉन अज्यूम करना है, तो जैसे मैं इस ई डैश को एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दूंगी, तो हमारे पास जो प्रोडक्शन थी वो क्या थी, ई डैश टेंस टू प्लस टी ई डैश, ये था, तो जैसे इसको मैंने क्या किया, एप्सिलॉन से रिप्लेस किया, तो हमारे पास ग्रामर क्या बची, ई डैश टेंस टू प्लस टी, ई डैश को तो हमने क्या कर दिया, एप्सिलॉन से हटा दिया, नाउ इन दैट केस ये फॉलो ऑफ टी क्या हुआ, फॉलो ऑफ ई डैश, मतलब ई डैश के जो फॉलोज हैं वो किस में आएंगे, टी के भी फॉलो में आएंगे, तो हम यहाँ कर देते हैं ई डैश के फॉलोज भी हमने क्या कर दिए, टी में लिख दिए, ये हो गए हमारे टी के फॉलोज। नाउ लेट्स सी फॉर द टी डैश, टी डैश के फॉलोज देखने हैं अबे, टी डैश कहाँ यूज हो रहा है, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ, यहाँ पे नाउ सी अगेन रिकर्सिव है, तो इसके लिए नहीं सोच रहा हमें, ये वाला देखते हैं, टी टेंस टू एफ टी डैश, एफ टी डैश एट द एंड है, इसके बाद कुछ भी नहीं है, इट मीन्स वॉट, टी डैश का फॉलो क्या होगा, फॉलो ऑफ टी होगा, तो टी डैश का फॉलो भी टी का फॉलो बनेगा, तो टी का फॉलो क्या है, प्लस डॉलर एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, तो ये हो गया हमारा टी डैश का। नाउ लेट सी फॉर द एफ, एफ के लिए अगर हम देखें एफ का फॉलो, एफ कहाँ कहाँ है राइट हैंड साइड में, सिर्फ एक यहाँ पे है हमारे पास राइट हैंड साइड में, तो एफ के लिए हमारे पास क्या मिला, टी टेंस टू एफ टी डैश, ये है, तो एफ का फॉलो क्या है, टी डैश, तो यहां से हमें क्या मिला, एफ का फॉलो क्या बनेगा, फर्स्ट ऑफ टी डैश, तो टी डैश का फर्स्ट देखो, फर्स्ट एक तो क्या है इस प्रोडक्शन में, मल्टीप्लाई का सिंबल स्टार, तो वो आ जाएगा एक तो, सेकंड यहां से फर्स्ट क्या मिला, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन मिलते ही हमें इसको किससे रिप्लेस करना है, एप्सिलॉन से, तो जैसे एप्सिलॉन से रिप्लेस किया, हमारे पास ग्रामर क्या बनी, टी टेंस टू एफ, ये बना, जैसे हमें यहाँ से एफ मिला, फॉलो एफ, एफ इज वॉट, फॉलो ऑफ टी, तो टी के जितने भी फॉलोस थे वो भी आएंगे, तो वो सारे फॉलो भी लिख देते हैं हम, प्लस डॉलर एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, तो ये कंप्लीट है कि हम फॉलो कैसे करें। नाउ सी कितना छोटा सा ग्रामर था, अगर हम डायरेक्टली फॉलोज देखते तो क्या, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड एप्सिलॉन्स, एप्सिलॉन्स की वजह से ही फॉलो और फर्स्ट में चेंजेस आते हैं, तो सबसे ज्यादा एप्सिलॉन वाले प्रोडक्शंस पे आपको ध्यान रखना है, और फर्स्ट और फॉलो रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि गेट में कंपाइलर में से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो आते हैं ना, वो पार्सिंग जो है ना उसी स्टेप में, यानी सेकंड जो फेज़ है ना, सिंटैक्स एनालाइजर जिसे हम पार्सिंग भी बोलते हैं या पार्सर भी बोलते हैं, उसी से आते हैं, बाकी के जो फेजेस हैं उनमें से क्वेश्चंस नहीं आते, मैक्सिमम चांसेस हैं कि नहीं आते, कभी कभी आ जाएं तो अलग बात है, कि एक आधे जो इंपॉर्टेंट हैं लास्ट के जो फेजेस हैं, थ्री एड्रेस कोड और उसके एक दो क्वेश्चंस आ जाएं, बट जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो पार्सर में से आते हैं, फर्स्ट और फॉलो सेट भी आइडेंटिफाई करवा सकते हैं, या वो आपको ग्रामर दे के बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर ग्रामर LR0 है, SLR1 है, CLR1 है या LALR1 है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो फर्स्ट और फॉलो बेसिकली इंपॉर्टेंट है उन तीनों पार्सेस के लिए, SLR, CLR एंड LALR के लिए, तो फर्स्ट और फॉलो बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तभी आप फर्दर जो तीनों पार्सिंग्स हैं SLR, CLR एंड LALR वो सॉल्व कर पाओगे। सो अगर आपको कोई भी डाउट है, जो हमने अभी ये फर्स्ट एंड फॉलोज देखे हैं, इनमें अगर आपको कोई भी डाउट है, एक भी क्वेश्चन में, अगर सिंगल वन क्वेश्चन में
कोई भी डाउट है जो हमने अभी फॉलोअर्स फाइंड आउट किए हैं इन फॉलोअर्स में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अगर सिंपल डाउट भी है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसे तो स्टैंडर्ड मेथड्स हैं कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसीलिए पहले मैंने केसेस बनाए हुए हैं कि इन केसेस के अकॉर्डिंग आप लोग ईजिली समझ जाओ। स्टिल अगर कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।